नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर के टेक्निकली में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि सीलिंग फ़ैन को ऐसे बाइंड करेंगे पता नहीं चलेगा कि हाथ से बाइंड किए हैं या फिर मशीन का बाइंड किया हुआ है। तो चलिए मैं उस टिप्स को दिखाता हूँ, उस उपाय को मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हम कैसे बाइंड करें कि हमारा फ़ैन पता ना चले कि हाथ से बाइंड किया है या हाथ मशीन से। तो हमारे पास ये सीलिंग फ़ैन है जो मैं इसको बाइंड कर रहा हूँ अभी। तो हम दिखाता हूँ पेपर डालने का तरीका। ये मैंने पेपर डाल रहा हूँ इधर, इस तरह से पेपर डालता हूँ ऐसे। ये मैंने जो पेपर डाले हैं, ये पेपर में लोग गड़बड़ी करते हैं डालने में, पेपर का ही कमाल है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे पेपर डालेंगे तो हमारी बाइंडिंग एकदम मशीन जैसे फिनिश आएगी, क्लीन आएगी। पेपर को क्या करना है, इतना यहाँ पेपर डालना है, ये इतने से डालना है। इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, ये ऐसे मोड़ दिया, ये मुड़ा, ये अब यहाँ से थोड़ा दूर में इसको मोड़ देंगे। और इसको इतना मोड़ेंगे ताकि स्लॉट के इस जगह में जाके ये यहाँ मुड़ा हुआ भाग यहाँ फिट हो जाए यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ, इसको यहाँ दो जगह से मोड़ दिया आराम से, और इसको ऐसे करेंगे, ऐसे किया, ऐसे करके, और फिर इसको यहाँ ऐसे इसको आराम से ऐसे डाल देंगे साइड से। ये डाला डाला, अब हमारा ये फैन ये यहाँ ये आसानी से जाके इसमें फिट हो गया। कितना अच्छा यहाँ फोल्डिंग बन गया, पूरा स्लॉट में फिट हो गया। अब हम इसमें जब बाइंडिंग करेंगे तो हमारा तार इसमें अच्छी तरह से कॉयल बन के फिट हो जाएगा। देखिए इधर एकदम मशीन जैसे बाइंडिंग लग रही है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, बस पेपर डालने का कमाल है। यहाँ भी ऐसे इसी तरह मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड किया, और एक जगह से फिर यहाँ पे थोड़ी दूर में अंदाज लगा लेना है कि हमें कितना मोड़ना है। और इसको ये ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ मुड़ा है और यहाँ ये ज़्यादा लंबा है, ये स्लॉट में नहीं आएगा। इसको यहाँ सीधा कर देंगे और यहाँ मोड़ देंगे, ये दो जगह से मुड़ा। अब इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इसी स्लॉट में ऐसे ये स्लॉट के अंदर डाल देंगे। ये डाला, अब हमारा ये स्लॉट पूरी तरह से अच्छे से भर गया है, पेपर स्लॉट के अंदर पूरी तरह से फिट हो गया। अगर हम इस पेपर को ऐसे ही डाल देते हैं तो हम दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ता है बिना मोड़े। ये देखिए, अगर हम इसमें ये बिना मुड़ा हुआ पेपर डाला है तो इसमें हम अगर तार भरेंगे तो हमारा तार धीरे 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 यहाँ चढ़ जाएगा, और चढ़ जाएगा इसके बाद फिर उसको नीचे करेंगे हम दबा के, तो हमारी कॉइल भी बड़ी हो जाती है और शॉर्ट होने का डर ज़्यादा रहता है। इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी, ये मशीन जैसी फिनिशिंग है। मैं दिखाता हूँ इसको कि पेपर जो मोड़ के मैंने लगाया है इसमें कैसे मैं बाइंडिंग करता हूँ, कैसे मैं इसमें तार भरता हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी इसी तरह बना सकते हैं अपने घर को, अपने घर में अपने फैन को। तो बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाता हूँ इसको क्या करना है। इधर पैर में दबा लेना है और एक पैर में इधर दबा लेना है, इस तरह दबा के इस पेपर को ऐसे बराबर कर लेना है। इसको अब क्या करेंगे, हम भरेंगे यहाँ ऐसे पकड़ा। अब इस वाले स्लॉट में ऐसे ऐसे टर्न मारा है, अब इस वाले स्लॉट में ऐसे ऐसे मारेंगे।
तो बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे किया, एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। ये देखिए यहाँ पे कॉइल भरना शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी भर सकते हैं, एक बार ऐसे डालना है, एक बार ऐसे, एक में ऐसे और एक में ऐसे। ये मेरे पास 36 नंबर वायर है।